एडमिशन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर NH 26 नरसिंहपुर रोड सरोंजा सागर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी को लेकर मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस शहर के बस स्टैंड स्थित दीनदयाल प्रतिमा से गोपालगंज के झंडा चौक तक निकाला गया। इसको लेकर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ सरकार ने किसानों से, युवाओं से, विद्यार्थियों से और भी कई जनहितैषी योजनाओं का वादा किया था, लेकिन अभी तक इन वादों को पूरा नहीं कर सके हैं। अगर सरकार यह वादे पूरे नहीं करती है तो बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी। जब विधानसभा चुनाव पिछले साल 2018 में हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने वादे किए, उन वादों में बहुत सारी ऐसी जनहितैषी योजनाएं थी। उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जब 200 रुपए पर महीने का बिल में गरीबों को बिजली देती थी, तब उनने कहा था कि हम 100 रुपए महीने में बिजली देंगे। युवाओं के लिए उनने कहा था कि हम कम से कम 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता तय करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे वादे थे जिन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए, और आज समय ये है, आज उनका कहना ये है कि हमारे पास ऐसी कोई योजना ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई बजट ही नहीं है। तो ये जो वादा खिलाफी प्रदेश की जनता के साथ की गई है, जनता में गरीब भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, हर वर्ग का तबका उनके द्वारा ठगा गया है, कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र से ठगा गया है। जिस विचार को सोचकर उन्होंने वोट किया था, उस विचार को, उन वादों को कांग्रेस पार्टी करने में आज पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता इस बात का विरोध करने आए हैं कि कमलनाथ सरकार को ये संकेत भी देने आए कि उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर उनने वादे किए हैं, प्रदेश की जनता से वादे किए हैं, तो उन्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे और भी उग्र आंदोलन करने को। एडमिशन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। एडमिशन ओपन कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सरोंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।